मई और जून ये दोनों महीना गुलाब के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये दोनों महीना हम पार कर चुके हैं। अभी जुलाई की महीना चल रहा है। इस महीना में गुलाब की पौधा बढ़िया तरीक़ा से ग्रो होगा, लेकिन जुलाई की महीना में गुलाब पौधे के लिए कुछ खास देखभाल होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जुलाई के महीना में गुलाब पौधे को कैसा केयर करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटो केयर। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त विप्लव। जुलाई की महीना है, लगातार बारिश होगा। इस टाइम वाटरिंग की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी पौधा मिट्टी में है, जब तक सरफेस सूखा ना हो तब तक पानी मत देना। अगर आपकी पौधा सिंडर मीडिया में है तो आप पानी दे सकते हैं, पानी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात करूंगा फर्टिलाइज़र के बारे में। इस टाइम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मत देना। फिर भी आप देना चाहते हैं तो मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अगर आपकी मीडिया सूखा हो तब। अगर मीडिया में मॉइस्चर है तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मत देना। इस टाइम आप नीम के एक फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा भार्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महीना में कम से कम एक बार नीम के एक फर्टिलाइज़र देना ही चाहिए और भार्मी कंपोस्ट भी महीना में एक बार दीजिए। इसके अलावा SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट महीना में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मीडिया मिट्टी है तो एक 10 इंच पट में NPK 12:61 हफ्ते में दो बार दीजिए 1 ग्राम करके। अगर आपकी मीडिया सिंडर है तो 12:61 हफ्ते में दो बार दीजिए 1 ग्राम करके। इसके अलावा NPK 19:19:19 ये भी हफ्ते में दो बार दीजिए अगर आपकी मीडिया मिट्टी है तो। अगर आपकी मीडिया सिंडर है तो NPK 19:19:19 हफ्ते में 3 बार दीजिए एक 10 इंच पट में 1 ग्राम करके। जुलाई की महीना में थ्रिप्स के अटैक बहुत ही होते हैं। ये देखिए पत्ता कैसे काल हो गए, यही है थ्रिप्स की अटैक। थ्रिप्स की अटैक की कारण से ऐसा पत्ता काल हो गए। इमिडाक्लोरोपिड ग्रुप की कोई भी दवा, जैसा कॉन्फिडर हो और कोई भी दवा हो, आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 1 लीटर पानी में आधा ml मिला के स्प्रे कर दीजिए। इस टाइम स्पाइडर माइट्स की अटैक ज़्यादा होता नहीं, फिर भी हम मकड़ नाशक स्प्रे करेंगे। आप काका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक जैविक दवा है। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml मिला के 10 दिन बाद एक बार स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आप ओबेरन और इंटरप्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml ओबेरन और इंटरप्रेट अच्छा से मिला के स्प्रे कर दीजिए 10 दिन बाद। बस स्पाइडर माइट से आपका पौधा दूर रहेगा। बारिश की टाइम है, बारिश तो होगा ही, कभी कभी लगातार बारिश होगा, इसलिए फंगीसाइड हमें इस्तेमाल करना है। आप टाटा कंपनी की मास्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम मिला के स्प्रे कर दीजिए 15 रोज बाद। और साफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम मिला के 10 रोज बाद इस्तेमाल कीजिए। बस यही कुछ टिप्स फॉलो करें तो आपका पौधा जुलाई की महीना में बरकरार रहेगा और आने वाले ठंडाई के टाइम आपकी पौधे अच्छा से फुलवार करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसा वीडियो दोबारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप भी आपका पौधे की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।